वेलकम टू अजीत के आर। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 बर्ड्स नेम यानी कि 25 पक्षियों के नामों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पक्षी को हम इंग्लिश में स्वान कहते हैं और स्वान मतलब होता है हंस। इस पक्षी को हम इंग्लिश में डक बोलते हैं और डक मतलब होता है बत्तख। इस पक्षी को हम इंग्लिश में काइट कहते हैं और काइट मतलब होता है चील। इसे हम लोग इंग्लिश में क्रो कहते हैं और क्रो मतलब होता है कौवा। इसे हम लोग इंग्लिश में आउल बोलते हैं और आउल मतलब होता है उल्लू। इसे हम लोग इंग्लिश में कॉक बोलते हैं और कॉक मतलब होता है मुर्गा। इसे हम लोग इंग्लिश में हैन कहते हैं और हैन मतलब होता है मुर्गी। इसे हम लोग इंग्लिश में ईगल कहते हैं और ईगल मतलब होता है गरुड़। इस पक्षी को हम इंग्लिश में फ्लाईकॉन कहते हैं और फ्लाईकॉन मतलब होता है बाज। इस पक्षी को हम इंग्लिश में पिजन कहते हैं और पिजन मतलब होता है कबूतर। इस पक्षी को हम इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं और पीकॉक मतलब होता है मोर। इस पक्षी को हम इंग्लिश में कक्कू कहते हैं और कक्कू मतलब होता है कोयल। इस पक्षी को हम इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं और स्पैरो मतलब गोरैया होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में नाइटिंगल कहते हैं और नाइटिंगल मतलब बुलबुल होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में वल्चर कहते हैं और वल्चर मतलब गिद्ध होता है। इस पक्षी को हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं और ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग होता है। इस पक्षी को हम इंग्लिश में किंग फिशर कहते हैं और इसे हिंदी में राम चिड़ैया कहते हैं। इस पक्षी को हम बैट कहते हैं और बैट मतलब होता है चमगादड़। इसे हम लोग इंग्लिश में मैना कहते हैं और मैना मतलब मैना होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्रेन कहते हैं और क्रेन मतलब सारस होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्वेल कहते हैं और क्वेल मतलब होता है बटेर। इस पक्षी को हम इंग्लिश में हेरॉन कहते हैं और हेरॉन मतलब होता है बगुला। इसे हम लोग इंग्लिश में फ्लैमिंगो कहते हैं और फ्लैमिंगो मतलब होता है राजहंस। इस पक्षी को हम इंग्लिश में वुड पीकर कहते हैं और इसे हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस पक्षी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।